राज्य के छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। इन क्षेत्र के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली जाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय और रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जा रहा है। भूमि संबंधी मामलों जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी प्रकरण, लीज भूमि आदि के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। अब मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि डीईओ देहरादून का प्रभार अब क्लेमेंटाउन सीईओ कौशल गौतम को दिया गया है। एक तो डीओ ऑफिस कम लोगों को पता है, देहरादून में खुल गया है। मैं अपने मंत्री जो मेरे साथ मेरे बॉस हैं सीधे सीधे श्रीमान राजनाथ सिंह जी को इसके लिए बधाई देता हूं, हमारी बातें उन्होंने मानी है। और उसका एक उप कार्यालय रानीखेत में खुल गया है। तो बरेली जो जाते थे पहले वहां के लोग अब बरेली नहीं रानीखेत जाएंगे, जो यहां से मेरठ जाते थे इस रीजन के वह मेरठ नहीं देहरादून में होंगे। शीघ्र हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं।